चार साल नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायक ही करने को मिलता है, हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? है? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे, है? ना पेंशन है ना कुछ है, आप ही बताइए सर। हम लोग का मेन मांगे यही है कि ये नियम खेल किया जाए, क्योंकि हम लोग का लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गया है सर। भगवानपुर चौक के पास रोड जाम किया गया था छात्रों के द्वारा, छात्रों को समझा बुझा करके जाम फिलहाल छुड़ा लिया गया है। स्थिति सामान्य है, आवागमन सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी देर तक जो है ये लोग प्रदर्शन करते रहे हैं? थोड़े देर तक डेफिनेटली जो आवागमन था वो बाधित हो गया था, लेकिन अब जाम छुड़ा लिया गया है, स्थिति सामान्य है। किसी को भी हिरासत में फिलहाल नहीं लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल वो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात को रख रहे थे, तो उनकी जो बातों हैं उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है और फिर जाम को बिल्कुल छुड़ा लिया गया है। तीस जनवरी 2021 को हम लोगों का शारीरिक परीक्षण हुआ, जिसमें एआरओ के अंतर्गत 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग आए थे। शारीरिक परीक्षण और मेडिकल जांच में हम लोग संपन्न हुए। उन विद्यार्थियों का हम लोगों का सी एग्जाम 2 साल से बार बार कोरोना के कारण बताकर पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। हम लोग एग्जाम चाहते हैं, एग्जाम हम लोग का जल्द से जल्द कराया जाए और टीओडी जहां तक है टीओडी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, टीओडी वापस लिया जाए, टीओडी वापस लिया जाए। अगर आने वाला अगिलका परीक्षा में 2 साल के लिए जो जो बच्चा विलंबित हुआ है उसको एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 3 साल के लिए। हम लोग का सबसे पहले ई हो, उसके बाद हम सबसे पहले एग्जाम कराया जाए। आज आप लोग कहाँ जाम किए? आज हम लोग मुजफ्फरपुर में आए हुए, चक्कर चौक है। एआरओ से लेकर हम लोग गए थे लोग कर्नल साहब से बात करने के लिए, लेकिन वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया है ये बोल कर कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम लोग कहाँ जाए, किससे मांग करे, हम लोग को कहाँ न्याय मिलेगा? सरकार से हम लोग एज खत्म हो गया है, हम लोग रोड पे आ गए हैं। रही बात टीओडी का, तो 3 साल एनसीसी करे और उसके बाद 4 साल नौकरी करे तो मादरचोद ऐसे मर जाए।